Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 attempts. So I am back with the revision of company law part B. If you've not already seen, I have uploaded the revision video for board meetings and general meetings, and today we will be revising directors. Directors का topic थोड़ा सा lengthy है, but I will try to cover almost everything. और अगर आप ये revision देख लेते हो तो आपका काफी portion exam के लिए कवर हो जाएगा. रिकमेंडेड फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें कवर्ड हैं और टॉपिक जो है वो दोनों में सिमिलर है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर माई मोटिवेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स का टॉपिक सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. नॉट लाइक ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा कुछ आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूछा जाएगा. उसके पीछे रीज़न ये है कि इस टॉपिक में बहुत सारे इनबिल्ट आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने का स्कोप रहता है. सो दैट इज़ वाई इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जब हम डायरेक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं डिन. बिकॉज कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके पास होना चाहिए डिन. व्हाट इज़ डिन? डिन इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है. इट्स एन 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये एक नंबर एक ही पर्सन को दिया जाता है और ये लाइफ टाइम के लिए एक पर्सन को दिया जाता है, until and unless वो एक्सपायर हो जाए या सरेंडर हो जाए. बट टिल दैट टाइम ये रहेगा और हर पर्सन के पास एक ही डिन होता है और कोई भी पर्सन बिना डिन के डायरेक्टर नहीं बन सकता. तो डिन को ऑब्टेन कैसे करना है? अगर तो कंपनी नहीं है, राइट. अगर कंपनी नहीं है तो बहुत ईजी है. आप क्या कर सकते हो, जब स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल हो रहा है, राइट, उसी के अंदर, बिकॉज अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया था, तो स्पाइस प्लस के अंदर ही उन्होंने मैक्सिमम 3 डिन्स लेने का एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर कंपनी नहीं है और जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनके पास ऑलरेडी डिन नहीं है, तो ये हो जाता है कि जब आप स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करते हो उसी के अंदर 3 मैक्सिमम डिन्स जो है उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है. तो स्पाइस प्लस के साथ ही डिन जो है मिल जाएंगे, बट दे आर मैक्सिमम 3 ओनली. और अगर कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, राइट, तो उस केस में DIR 3 फॉर्म फाइल करके कोई भी पर्सन डिन ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप हो या मैं हूँ, हमें किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में जाके डायरेक्टर बनना है तो हमें अपना डिन ऑब्टेन करना पड़ेगा थ्रू DIR 3 फॉर्म. उसके बाद अगर कोई भी चेंज होती है, ठीक है, अब आप बोलोगे डिन में मेजरली नेम एड्रेस वगैरह ही रहता है, तो नेम तो मैम क्या ही चेंज होगा, बट कई बार लोग सरनेम्स वगैरह चेंज कर लेते हैं या फिर एड्रेस बदल जाता है. तो उस केस में जो भी चेंज है वो DIR 6 में जो है विदिन 30 डेज सबमिट करवाना है. इसके साथ प्रूफ ऑफ चेंज, जो भी आपका चेंज हुआ है उसका प्रूफ अटैच करना पड़ेगा इस फॉर्म के साथ. और ये जो फॉर्म है ये प्री सर्टिफाइड होना चाहिए CA, CS या CMA के, और कंपनी को आपको 15 डेज में इंटीमेट करना है. आगे चल के एक चार्ट आएगा रिगार्डिंग दीज DIR फॉर्म्स, तो आप वो लर्न कर लेना. इट विल बी मोर देन इनफ. उसके बाद आता है कैंसिलेशन, सरेंडर या डीएक्टिवेशन. क्या डिन कैंसिल हो सकता है? सरेंडर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डीएक्टिवेट भी हो सकता है. तो सरेंडर तो मेजरली वो पर्सन खुद ही करेगा, लेकिन किन किन केसेस में डिन कैंसिल या डीएक्टिवेट हो सकता है? तो सबसे पहले डिन इज फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड. ठीक है, ये पता चला कि डिन जो है वो डुप्लीकेट किया है किसी ने. डिन वॉज ऑब्टेन्ड इन रॉन्गफुल मैनर और बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, राइट, या तो गलत तरीके से ऑब्टेन किया या फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया. डेथ हो गई कंसर्न इंडिविजुअल की. कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन डिक्लेयर्ड द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. ये नहीं कोई आगे बोल देगा कि ये अनसाउंड माइंड का नहीं, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया है. And if the concerned individual has been adjudicated as an insolvent, I think last attempt में ऐसा कुछ उल्टा सा क्वेश्चन आया था कि वो डुप्लीकेट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो क्या कर सकता है पर्सन? क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है. तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, राइट. और DIR 5 जो है इस केस में फाइल करना पड़ता है. उसके बाद आती है कुछ जनरल प्रोविजंस जो आप सबको पता होनी चाहिए. देखो, किसी भी पर्सन के पास एक से ज़्यादा डिन नहीं हो सकता. हर पर्सन के पास एक ही डिन होता है. जैसे ही पर्सन को डिन मिल जाता है उसे डायरेक्टर को, उसे कंपनी को बताना पड़ता है, राइट, कि रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ता है. ये पूरा टेबल आएगा ना, वहाँ पे पूरी तरीके से आप लर्न कर सकते हो. उसके बाद ये दिस इज अ न्यू टॉपिक दैट यू शुड नो, विच इज ई फॉर्म DIR 3 KYC एंड DIR 3 KYC वेब. तो इसमें क्या होता है कि KYC करवानी होती है डायरेक्टर की. जब फर्स्ट टाइम उसकी KYC होती है तो तब हम फॉर्म फाइल करते हैं DIR 3 KYC. उसमें वीडियो वगैरह अपलोड करनी होती है, वो सारी चीज़ें. लेकिन एक बार जब उसकी प्रॉपरली पूरी केवाईसी होगी तो हर साल वो प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हर साल आप कर सकते हो DIR 3 केवाईसी वेब, उसमें प्रोसेस थोड़ा छोटा है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस कि 3 केवाईसी जो है वो पहली बार होती है एंड 3 केवाईसी वेब फिर उसके बाद हर साल करी जाती है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो इसका इम्पैक्ट ये है कि आपका जो DIN है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप DIR 3 केवाईसी या DIR 3 केवाईसी वेब नहीं फाइल करते हो तो उस डायरेक्टर का जो DIN है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब उसे अगर रीएक्टिवेट करवाना है तो क्या कर सकते हो, दोबारा से ये फॉर्म भर दो, वो ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इट्स लाइक वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन जब वो केस लॉ फॉर्म में पेपर में आएगा तो बच्चे नॉर्मली कन्फ्यूज जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है इस तरीके से आपने याद रखना है। ये है वो समरी ऑफ DIN फॉर्म्स जो आपने लर्न करनी है। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल समरी। DIR 3 किसके लिए है, DIN के लिए, 6 किसके लिए, इंटीमेशन ऑफ चेंज के लिए, 5 है सरेंडर के लिए, 3B है जब कंपनी को इंटीमेट करना है, 3C है जब रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है, और ये एप्लीकेशन फॉर KYC है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। तो कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी एंड प्रोफेशनल डायरेक्टर। तो यहाँ पे जितने भी नेम्स फ्लैश हो रहे हैं, एक बात मैं आपको बोलती हूँ, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज किसी भी टॉपिक में से पूछा जा सकता है, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर को। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं, देखो अगर तो कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया तो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जब तक प्रॉपरली फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं किए जाते या जो भी नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं किए जाते, तब तक जो भी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं वही होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। उसके बाद आता है रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो इंडिया में for not less than 182 days रहा है during the financial year. So this is also very important. कंपनी form of business में उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई, आप किसी को भी रख सकते हो, foreigners को रख सकते हो, but the point here is कि कम से कम एक resident director कंपनी में होना ही चाहिए without any fail. उसके बाद topic आता है women director का, very very essential topic. Women director जो है एक ऐसा टॉपिक है जहां पर उन्होंने बोला है कि मैंडेटरीली एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है। किस किसने, ऑल द लिस्टेड कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल या तो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इसके ऊपर आई थिंक लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था, वो टेबल सा बना के देते हैं। एक टिप मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, कभी भी वुमेन डायरेक्टर का क्वेश्चन आता है लिस्टेड कंपनी देखते ही आपने टिक कर देना है बिकॉज हर लिस्टेड कंपनी बिना किसी थ्रेशोल्ड या लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर के उन्होंने एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखनी ही रखनी है। और जहाँ पे प्राइवेट कंपनी आता है वहाँ पे आप क्रॉस कर लोगे क्योंकि एक्ट ऐसा कुछ नहीं कहता, ठीक है, वो अपने मन से रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्ट उन्हें मैंडेटरली नहीं कहता। तीसरी चीज़, जब पब्लिक कंपनी आती है, पब्लिक कंपनी जब आती है तब आपने दोनों चीज़ें चेक करनी है कि पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा, दोनों में से कोई भी कंडीशन कंप्लाई होती है तो उन्हें रखनी पड़ेगी वुमेन डायरेक्टर। उसके बाद एक और चीज़ आई थी, जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं बाय अप्रैल 1, 2019 टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़, और फिर ये नंबर बढ़ के 1000 कर दिया था कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। तो नॉर्मली वुमेन डायरेक्टर रखना और इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर दो अलग अलग टॉपिक्स हो गए ना, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर चलेगी, तो इसीलिए दोनों टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए बिकॉज नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है तो दोनों का आता है। तो जब हम वुमेन डायरेक्टर की बात करेंगे तो मैंडेटरली किन किन ने रखनी है, ऑल लिस्टेड एंटिटीज, पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और बोर है और टर्नओवर 300 करोड़ और बोर है। और का मतलब ये वाला और कह रही हूँ, ठीक है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन कंप्लाई होती है तो उन्हें रखना है। उसके बाद अगर हम लिस्टेड एंटिटीज़ की बात करें, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ की बात करें तो उन्होंने एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है। उसके बाद बारी आती है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की। तो सबसे पहले आप ये जानो कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है। स्मॉल शेयर होल्डर होता है जिसके जो शेयर्स हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू इज़ नॉट मोर दैन 20,000 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू, ना मार्केट वैल्यू ना पेड अप वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। नॉमिनल वैल्यू नॉर्मली फेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो होती है, तो 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब इसको अपॉइंट कौन कर सकता है, देखो इलेक्शन कैसे करनी है, लिस्टेड कंपनी में नोटिस भेजना है। नोटिस जब भेजना है स्मॉल शेयर होल्डर्स ने 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, ठीक है, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, इन दोनों में से जो भी विच एवर इज लोअर, जो भी कम है वो जाके जो है नोटिस लगा सकता है कंपनी में कि भाई हमें स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करना है। अब वो नोटिस जो है देखो वॉलंटरीली भी लिस्टेड कंपनी रख सकती है, अगर तो वॉलंटरीली रख लेते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो वॉलंटरीली नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के पास ये पावर होती है कि वो दे कैन पुट द फुट फॉरवर्ड कि प्लीज़ आप जो है ऐसे डायरेक्टर को आप रखो, ठीक है, एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर आप रखो। नोटिस ऑफ इंटेंशन, देखो एक नोटिस जब जो हमने बोला उस नोटिस में इंटेंशन सेट आउट करना होता है कि हम ये कैंडिडेट को लगाना चाहते हैं, और ये जो नोटिस है वो 14 days बिफोर द मीटिंग जाना है। कल या जो पहले वीडियो मैंने डाली थी उसमें भी आप देखोगे जब भी नोटिस मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी को जाता है वो हमेशा 14 डेज बिफोर द मीटिंग ही जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते पढ़ते ऑब्जर्व करते हो और हमेशा आपको याद रहती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होते। स्टेटमेंट बाय द प्रपोज स्मॉल शेयर, अब उस स्टेटमेंट में क्या जाएगा, उस स्टेटमेंट में उस नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट जाएगी जिसमें आपको उस पर्सन का डिन बताना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है और उसकी कॉन्सेंट देनी पड़ेगी। अब बिफोर प्रोसीडिंग हेड आगे चल के प्रोसीजर्स आते हैं, अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो किसी भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, मार्क माय वर्ड्स, किसी भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है उस टाइम पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये 3 चीज़ें उस डायरेक्टर से लेनी ही लेनी है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, उसका डिन लेना है, ये उससे डिक्लेरेशन लेनी है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और उसका कॉन्सेंट लेना है। ये 3 चीज़ें आपने उससे लेनी ही लेनी है। लाइक आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, कभी भी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आप स्टडी करते हो, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू टेक द डिन ऑफ द डायरेक्टर, यू हैव टू मेक श्योर दैट ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड एंड यू हैव टू टेक हिज कॉन्सेंट एज वेल, राइट। उसके बाद मूविंग अहेड, हाँ, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, अब देखो यहाँ पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्टर जब भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो 2 सेक्शन हम पढ़ते हैं, 149 सबसेक्शन 6 एंड 149 सबसेक्शन 7, आगे चल के हम पढ़ेंगे। 149 सबसेक्शन 6 जो है वो हमें ये बताता है, वो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है, ये चेक करने के लिए कि ये पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है या नहीं, वो खुद कैसा होना चाहिए, उसके रिश्तेदारों के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, उनका कंपनी के साथ कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, उस सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और 149(7) होता है कि वो पर्सन खुद डिक्लेरेशन देता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, तो कोई भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो ये 2 सेक्शंस को से कंप्लाई करना पड़ेगा। टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड नो रिटायरमेंट, देखो ये भी एक टिप है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कभी भी रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाले डायरेक्टर्स की बात आती है तो हमेशा एक बात याद रखनी है, जिन डायरेक्टर्स के ऑलरेडी टेन्योर्स फिक्स्ड हैं वो कभी भी रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है, राइट। तो ये यहाँ पर इनकी जो टेन्योर है वो रहती है 3 consecutive years, ठीक है, 3 consecutive years से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता, 3 consecutive years मिलते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट एज वेल। अब ये ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब वो कंपनी लॉ के पेपर में केस लॉ फॉर्म में पूछेंगे या पॉइंट्स फॉर्म में पूछेंगे उस टाइम पे आपको लगेगा ओ दिस इज सो डिफिकल्ट, बट अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे समझ लोगे तो डेफिनेटली यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड करेक्टली एज वेल। तो टेन्योर जो है वो 3 consecutive years का होना चाहिए एंड रीअपॉइंटमेंट नहीं होती और रिटायर बाय रोटेशन भी नहीं होता। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सेम है जो हम 164 में पढ़ेंगे। सो मूविंग अहेड विद द ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का वेकेशन के थोड़े से और एडेड ऑन पॉइंट्स है। सबसे पहले तो अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं रहता, देखो अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं है तो ही कैन नॉट बी अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, ही अट्रैक्ट्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर बिकम्स वेकेंट अंडर 167। तो ये 2 सेक्शन ऐसे सेक्शन है 164, 167, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड अलग वीडियोज़ बनाई हैं। आई विल ऑल्सो लिंक those videos in the I button above, आप उन्हें जरूर देखना। एंड लास्ट इज ही सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है तो इंडिपेंडेंस वाला क्राइटेरिया जो है वो नहीं फुलफिल कर पा रहा। नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, देखो एट अ टाइम जो है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है वो नॉट मोर देन 2 कंपनीज में एट द सेम टाइम डायरेक्टर बन सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, ओनली स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, नॉट मोर देन 2 कंपनीज। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मजेदार सा क्लॉज है, कहते हैं जो सेकेंड कंपनी है ना वो पहले कंपनी की कंपेटिटर नहीं होनी चाहिए, ना तो वो कंपीटिंग कंपनी होनी चाहिए और ना ही कोई कन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़, दो कंपनी से ज़्यादा कंपनीज में एट द सेम टाइम वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन जो दूसरी कंपनी वो पहली कंपनी की कन्फ्लिक्टिंग कंपनी या कंपीटिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। और 3 ईयर्स का जो है वो कोई भी एसोसिएशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये होते हैं, देखो जब स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो हमने ये बोला कि ये अपॉइंट करेंगे वो अपॉइंट करेंगे, लेकिन जब वो रिमूव होगा, ठीक है, वो रिमूव होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, और रिमूवल की जब वोटिंग होगी तब इक्विटी शेयर होल्डर के पास भी राइट होगा वोट करने का। तो ये चीज़ का आप ध्यान देना। आप ये नहीं कह सकते कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर ही से हटा सकते हैं, नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स दे आर इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। फिर बारी आती है एडिशनल डायरेक्टर। आई ऑलवेज से एज द नेम सजेस्ट, आपने जब भी लॉ पढ़नी है ना, थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। खैर यहाँ तो सिंपल ही बात हो रही है, एडिशनल मतलब इन एडिशन टू। कोई ऑलरेडी हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, हम उसके एडिशन में किसी एक डायरेक्टर को लेके आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, हम उसे अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर द जनरल मीटिंग एट एनी टाइम, यू नो। तो सबसे पहली बात है, देखो हम किसी को एडिशनल डायरेक्टर बना रहे, वेरी गुड, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंपनी में रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो कोई ऐसा बंदा ना हो जो कभी ऐसे टाइम पे यू नो उसका प्रपोजल आया हो लाइक ही वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, लेकिन जनरल मीटिंग में उसने अपॉइंट नहीं किया। तो जनरल मीटिंग ने जब उसे अपॉइंट नहीं किया तो आप बोर्ड उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक छोटी सी बात जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज एक बेसिक रूल होता है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरल मीटिंग जो होल्ड करते हैं, जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाने वाले होते हैं शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मालिक हैं, ठीक है, मालिक अपने आप जानेंगे, ओनर्स अपने आप जानेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो के बोर्ड के पास पावर होती है अपॉइंट करने की, और वो हम डील करते हैं अंडर सेक्शन 161। तो सबसे पहला होता है एडिशनल डायरेक्टर। इसीलिए अगर कोई डायरेक्टर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर नहीं बन पाया, कोई पर्सन सॉरी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर नहीं बन पाया, तो बोर्ड उसे एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकती। ये तो फिर स्मार्टनेस होगी ना, दैट कांट हैपन, राइट। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले याद रखनी है। दूसरी चीज़ उसका टेन्योर जो होता है एडिशनल डायरेक्टर का, वो होता है अप टू द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। इस एजीएम से जिसमें वो अपॉइंट हुआ है उससे नेक्स्ट एजीएम तक आपने उसे रखना है। लेकिन बाई चांस अगर एजीएम होती ही नहीं है तो देन द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू बी हैपन, यानी कि वो ड्यू डेट जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी उस दिन उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो वेट नहीं करेगा कब एक्चुअल एजीएम होगी, उस दिन उसका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये 2-3 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। दूसरी बात आती है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी बोर्ड अपॉइंट करता है 161 सबसेक्शन 2। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात ऑल्टरनेट क्या होता है? किसी का ऑप्शन, किसी की जगह पे, जिसे हम कहते हैं कि ये नहीं है तो वो कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है कि ये उस डायरेक्टर की जगह पे आता है जो मोर देन 3 months ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। पहली बात तो एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर जाएगा तो ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर आएगा। और ये नहीं है 10-15 दिन के लिए बेचारा घूमने गया पीछे से ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख के बैठ गए, नो, नॉट लेस दैन 3 months, कम से कम 3 months या उससे ज़्यादा के लिए ही शुड बी आउट ऑफ द कंट्री, राइट। ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एब्सेंस ऑफ नॉट लेस दैन 3 months फ्रॉम इंडिया। तो ये बेसिक बात है, बट वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है यही नहीं पता, राइट। बेसिक चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होगी यू वोंट बी एबल टू राइट द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एज वेल। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट में होता क्या, यही चीज़ों को वो आगे एलैबोरेट करते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये आ गई, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी आती है, दोनों पे होती है, पब्लिक पे भी प्राइवेट पे भी। कंडीशंस इसके ये होते हैं, सबसे पहले बोर्ड ऑथोराइज होना चाहिए, देखो बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता बिना ऑथोराइजेशन के। सेकेंडली उस पर्सन की या उस डायरेक्टर की जगह पे आएगी जो कि एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है, दैट टू नॉट लेस दैन 3 months। पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल बी द पर्सन अदर दैन द पर्सन एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो एक ही डायरेक्टर के लिए हो सकता है। वो ये नहीं है कि 2-3 डायरेक्टर्स के लिए एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख लिया, वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, वो प्रॉक्सी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। एंड लास्टली इट इज प्रपोज टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर। हाँ, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। इसकी पावर टू अपॉइंट होता है बोर्ड के पास, ठीक है। 161 में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो बोर्ड के पास ही होती है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ना जैसे हमने बोर्ड मीटिंग का टॉपिक पढ़ लिया है तो 175 भी हमने पढ़ा है, तो आप ये जान सकते हो कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग में तो ऑब्वियसली वो अपॉइंट हो ही सकता है। वो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्क्यूलेशन में भी अपॉइंट किया जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। मीटिंग में तो अपॉइंट हो सकता है, बाय सर्कुलेशन भी वो अपॉइंट किया जा सकता है। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर है उतना ही उसका टेन्योर है, ठीक है। ये उससे ज्यादा नहीं। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर चला गया, ठीक है, और उसके आने से पहले पहले उसका टेन्योर खत्म हो गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी टेन्योर खत्म हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट आउट एंड ही डिडंट रिटर्न एंड इन दैट टाइम पीरियड उसका टेन्योर खत्म हो गया, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी टेन्योर खत्म हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे पर्सन का रिप्लेसमेंट है। इसे इस तरीके से याद रखो, उसकी अपनी एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ एक जगह पे उसकी आइडेंटिटी आती है, वो होता है जब नोटिस भेजना होता है, ठीक है। नोटिस भेजना तो सबको भेजना पड़ता है, लेकिन अदर देन दैट उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। और बाय चांस वो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर गया, उसने बोला कि मैं तो 6 महीने बाद आऊंगा, लेकिन वो 5 महीने भी वापस आ गया। द मोमेंट ही रिटर्न्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को जो ऑफिस है वो वेकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज जो ओरिजिनल है वो वापस आ गया। तो इट इज प्रीटी सिंपल। जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर होता है उतना ही टाइम पीरियड ऑल्टरनेट डायरेक्टर को मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। अब कंपनी में रीअपॉइंटमेंट का क्लॉज है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हो रही है डायरेक्टर्स की, तो उस केस में कौन रीअपॉइंट होगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या ओरिजिनल डायरेक्टर? ओरिजिनल डायरेक्टर हमेशा। तभी मैंने बोला हर जगह पे ओरिजिनल डायरेक्टर ही जो है वो जो है आउटशाइन होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आई थी, सेबी की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और कंटिन्यू एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड एंटिटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में के लिए कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रखा जा सकता, राइट। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? एक्चुअली नॉमिनी डायरेक्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय बोर्ड। वो एक्चुअली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है ना, जो लोन प्रोवाइड करती है, ज्यादातर वो प्रपोज करती है कि आप हमारे किसी पर्सन को डायरेक्टर बनाओ, ठीक है, ताकि हम देखें कि आप इतना लोन लेके उसको यूटिलाइज करते भी और नहीं करते हो। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज नॉमिनी डायरेक्टर। प्रोफेशनल डायरेक्टर एज सच डिफाइंड नहीं है। प्रोफेशनल डायरेक्टर होता है जिसका प्रोफेशन नेचर ऑफ कंपनी से मैच कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है कि डॉक्टर में भी प्रोफेशनल डायरेक्टर है हॉस्पिटल कंपनी, अदरवाइज तो सारे ही प्रोफेशनल है। कोई CA है, कोई MBA है, कोई IAS है, वो बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसका प्रोफेशन नेचर ऑफ कंपनी से मैच करता है, उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी में अगेन कौन अपॉइंट कर सकता है? बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। कैजुअल वैकेंसी होती है बिफोर द टर्म एक्सपायर्स, ठीक है। डायरेक्टर की टर्म या टेन्योर एक्सपायर होने से पहले ही उसे ऑफिस छोड़ना पड़ जाए, वैकेंसी हो जाए, उसे हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। रीजन कुछ भी हो सकता है। उसका पावर जाता है बोर्ड के पास। बोर्ड के पास पावर होती है कि वो उसे फिलअप कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर X वॉज द ओरिजिनल डायरेक्टर हु वॉज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। इनकी कैजुअल वैकेंसी हो गई तो बोर्ड ने मिस्टर Y को अपॉइंट कर दिया। थोड़े टाइम बाद मिस्टर Y की भी कैजुअल वैकेंसी होगी। अब कौन अपॉइंट करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अब दोबारा हम जनरल मीटिंग में जाएंगे, बिकॉज द फर्स्ट लाइन स्टेट्स एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग इज वेकेटेड। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पास पावर है कि अगर कोई डायरेक्टर जो कि जनरल मीटिंग में अपॉइंटेड है उसकी वैकेंसी हो जाती है तो बोर्ड उसे अपॉइंट कर सकता है। लेकिन बोर्ड के तरफ से कोई भी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुआ है, उसे दोबारा बोर्ड उसकी कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं कर सकता, राइट। उसके बाद हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो टॉपिक है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का टॉपिक है, ये 2-3 पार्ट्स में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले है ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। कंपनीज एक्ट कहता है कि ऑल द लिस्टेड पब्लिक कंपनीज at least 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। और अदर पब्लिक कंपनीज जो हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ है, उन्हें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो रखने पड़ेंगे, राइट। प्रोवाइडेड। और इन क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस कंसिडर नहीं की जाती, वो है जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड एंडोर्समेंट कंपनी, राइट। जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड एंडोर्समेंट कंपनी। तो ये 2 चीजें हैं, 2 पार्ट्स हैं जिन्हें आपको समझना है। देखो जहाँ पे कंपनीज एक्ट की बात आती है, जहाँ पे लिस्टेड एंटिटीज की बात आती है, वहाँ पे सेबी को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट जो है वो सिंपली कहता है कि अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या इक्वल टू 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर इक्वल टू 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा। ये भी फर्क है जो आपने देखना है जरूर। यहाँ पे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर से काम चल जाएगा। सेबी थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट करता है। सेबी कहता है अगर चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो एक होल टाइम डायरेक्टर की तरह काम करता है, उसकी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट होती है, उसे सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसे इतना नहीं पता। तो जब चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ऑफ बोर्ड भी अगर इंडिपेंडेंट है तो चलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं चेयरपर्सन भी कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है, कुछ हद तक अनबायस्ड है। लेकिन अगर वो एक रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो फिर हाफ ऑफ द बोर्ड। अब देखो हाफ इज मोर देन 1/3, आई बिलीव यू नो। हाफ 50% होता है, 1/3 33.333% होता है। अगर चेयरपर्सन कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो 1/3 ऑफ बोर्ड के साथ चल जाएगा। लेकिन अगर चेयरपर्सन रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो हाफ ऑफ द बोर्ड हमें चाहिए। उसके बाद चेयरपर्सन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और प्रमोटर भी है या प्रमोटर से रिलेटेड है, और पर्सन अकम्पनिंग मैनेजमेंट पोजिशन एट लेवल ऑफ बोर्ड और 1 लेवल बिलो द बोर्ड, देन ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर हाफ ऑफ द बोर्ड। तब भी हमें 50% ऑफ द बोर्ड जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। 50% ऑफ द बोर्ड जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसे हम कहते हैं सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, राइट। 149 सबसेक्शन 6 जो है सबसे ज़्यादा यू कैन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया बस फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको पूरा समझ आ गया। हालांकि ये पूरा समझने के बेसिस पे इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपने देखना है। सबसे पहले कोई भी पर्सन जो बोर्ड के अकॉर्डिंग या मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक ऐसा पर्सन है जिसके पास इंटेग्रिटी है एंड पोजेसेस रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, 3 चीज़ें हैं, इंटेग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। तीनों चीज़ ज़रूरी है बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसका कुछ एज सच कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। ही इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसका एज सच कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता टू द वर्क ऑफ द कंपनी। लाइक ही कॉन्ट्रीब्यूट्स थ्रू इज एक्सपीरियंस, थ्रू इज एक्सपर्टीज, थ्रू इज गुड रेप्यूटेशन ऑल्सो। तो सबसे पहले तो वो देखा जाता है। दूसरी चीज़ है सच इंडिविजुअल शैल नॉट बी अ प्रमोटर और रिलेटेड टू अ प्रमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब हर जगह पे जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कंपनी वर्ड यूज़ होगा वहाँ कंपनी के साथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी भी यूज़ होगा, तो ये चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी तीनों चीज़ें यूज़ होगी। तो ये इंडिविजुअल जो है ना तो ये प्रमोटर होना चाहिए और ना ही ये रिलेटेड होना चाहिए प्रमोटर से, डायरेक्टर से, राइट, इस कंपनी के डायरेक्टर से, एसोसिएट से या होल्डिंग से। उसके बाद है इस पर्सन का कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, दैट इज़ मॉनेटरी इंटरेस्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कि मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अदर दैन द रेम्यूनरेशन के अलावा, और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इस टोटल इनकम। फिर उन्होंने कुछ लेवरेज दे दिया कि चलो ठीक है अगर है भी तो उसके टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नन ऑफ हुज रिलेटिव्स। अब यहाँ पे बात आती है रिलेटिव्स की, डी पार्ट में, और ई पार्ट में आता है आइदर डायरेक्टली और एनी ऑफ हिज रिलेटिव। तो ये मेन फर्क है डी और ई पार्ट में। अब ये सिर्फ रिलेटिव्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके जो रिलेटिव्स हैं सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ना तो वो कोई सिक्योरिटी हेल्ड करें, ना उनका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। एक और फ़र्क है, डी पार्ट में हम हमेशा 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स डिस्कस करेंगे, और ई पार्ट में जहाँ पे वो खुद भी आ जाता है यहाँ पे 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात है कि इस होल्डिंग यानी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर होल्ड कर भी रहा है तो दैट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, राइट, और सच हायर सम विच एवर इज प्रिस्क्राइब। तो इन दोनों का थ्रेशोल्ड दे दिया, अदरवाइज कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है इंडेटेड नहीं होना चाहिए या कोई गारंटी, ये दोनों सेम है, इंडेटेड टू द कंपनी और गारंटी, और इसकी जो अमाउंट है वो एंड में दे रखी है, ये रही। फॉर दिस पर्पज द अमाउंट इज रुपीज 50 लाख। 50 लाख के लिए ना तो वो इंडेटेड होना चाहिए और ना ही उसने कोई गारंटी दी हुई हो, राइट, बिकॉज ऑटोमेटिकली दिस क्रिएट्स व्हाट डू यू से, दिस क्रिएट्स अ रिलेशनशिप विद द कंपनी। तो वो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद है द लास्ट पॉइंट इज कि एज एनी अदर पेक्यूनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए विद द सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी टू 2%, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 2% ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और कॉम्बिनेशन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक 2% तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद खुद या उसके रिलेटिव्स जो हैं वो क्या क्या चीज़ें ना करें, सबसे पहले तो है वो खुद या उसके रिलेटिव्स ना तो KMP होने चाहिए, ना एम्प्लॉय होने चाहिए, यू नो कंपनी के एसोसिएट के, उसके पिछले 3 सालों के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अब रिलेटिव तक जा रहे हो, ठीक है, वो खुद ना एम्प्लॉय होना चाहिए, ना KMP होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन रिलेटिव जो है वो एम्प्लॉय हो सकता है। एम्प्लॉय का तो इतना ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते ना कि एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो एम्प्लॉय हो सकता है, उतना चल जाएगा, नो प्रॉब्लम्स विद दैट, ठीक है, लेकिन वो खुद एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि वो खुद जो है और उसका जो रिलेटिव है वो ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए, ना प्रोप्राइटर होना चाहिए, ना पार्टनर होना चाहिए, ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए, ना प्रोप्राइटर होना चाहिए, ना पार्टनर होना चाहिए। पिछले 3 सालों में किस किस जगह पे, सबसे पहले फर्म ऑफ ऑडिटर्स में, कोई भी प्रैक्टिसिंग फर्म ऑफ ऑडिटर्स है या कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस है या कॉस्ट ऑडिटर्स इन प्रैक्टिस है, पिछले 3 सालों में वो खुद या उसका कोई भी रिलेटिव ना तो उस फर्म का एम्प्लॉय होना चाहिए, ना प्रोप्राइटर होना चाहिए, ना पार्टनर होना चाहिए। ये तो फर्स्ट केस में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, बस होना ही नहीं चाहिए सिंपली। सेकेंड केस में अगर लीगल या कंसल्टिंग फर्म है, लीगल या कंसल्टिंग फर्म के केस में एक थ्रेशोल्ड है, सिर्फ तभी हम मानेंगे अगर उस फर्म के साथ हमारा 10% या उससे ज़्यादा का जो है यू नो ट्रांजैक्शन है। एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म दैट हैज़ और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनी, उसकी कंपनी के साथ अगर 10% उसके ग्रॉस टर्नओवर का 10% से ज़्यादा का उसका ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर 10% से कम का है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फ़र्क है A और B में, जो आपने हमेशा याद रखना है। अगर हम ऑडिटर्स की बात करते हैं, चाहे वो स्टैचुरी ऑडिटर्स है, चाहे वो सेक्रेटरी ऑडिटर्स है, चाहे वो कॉस्ट ऑडिटर्स है, किसी भी केस में अगर पिछले 3 सालों में वो या उसका रिलेटिव एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन लीगल या कंसल्टिंग फर्म में ये क्राइटेरिया सिर्फ तभी लगता है अगर कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर से के 10% से ज़्यादा उस फर्म के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, 10% से ज़्यादा अगर उस फर्म के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो तभी वो एप्लीकेबल होगा, राइट। उसके बाद पॉइंट आता है, The third point is holds together with his relatives 2% or more of the voting power, 2% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर हेल्ड की है, या फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का, लेकिन उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की जो रिसीट्स हैं फ्रॉम द कंपनी, चाहे वो कंपनी से आ रही है, चाहे वो प्रोमोटर से आ रही है, चाहे वो डायरेक्टर से आ रही है, वो 25% से ज़्यादा, यानी कि उस कंपनी की तरफ से 25% से ज़्यादा रिसीट्स आ रही हैं, या उस कंपनी के प्रोमोटर की तरफ से आ रही हैं, डायरेक्टर्स की तरफ से आ रही हैं, या फिर 2% या उससे ज़्यादा का टोटल वोटिंग पावर जो है वो हेल्ड किया हुआ है, राइट। ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और डिटेल में देखना चाहते हो तो आई हैव पोस्टेड 1 वीडियो रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जितनी भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस है, बिकॉज नथिंग हैज मच चेंज्ड, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उन्हें डिटेल में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उसे देख के उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज, देखो ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल हो गई, टेक्निकल हो गई, लेकिन उसे कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। 1 और मोर फील्ड्स ऑफ फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, जिसके लिए भी आप उसे लेके आ रहे हो, तो एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। दिस वॉज 149 सबसेक्शन 6। उसके बाद आता है 149 सबसेक्शन 7। 149 सबसेक्शन 7 में वो पर्सन जो है वो खुद से डिक्लेरेशन देता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये डिक्लेरेशन कब कब देनी होती है? सबसे पहले जो भी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड वो अटेंड करता है, उसमें उससे खुद ही डिक्लेरेशन दे देनी है। उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड में उसने ये डिक्लेरेशन देनी है। और थर्ड, अगर कभी भी उसके फाइनेंशियल स्टेटस में, इंडिपेंडेंट स्टेटस में सॉरी, कोई भी चेंज होता है, तो तब भी उसने उस चेंज के बाद जो भी मीटिंग हुई उसमें उसने डिक्लेरेशन देनी है। तो डिक्लेरेशन का भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। पहला हमेशा फर्स्ट मीटिंग में, दूसरा एवरी ईयर में जो फर्स्ट मीटिंग होती है, और तीसरा अगर कोई चेंज है तो, राइट। देन वी मूव है टू, हाँ, जो DNO इंश्योरेंस ली जाती है सारे डायरेक्टर्स के लिए, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी ली जाएगी। ये रिसेंटली बात आई थी। अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन है उसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो आपने देखती है। दे शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। मैं 3 बातें आपको यहाँ पे बताऊँगी जो आप याद रखना। सबसे पहले होती है सिटिंग फीस, ठीक है, सिटिंग फीस उसे मिलनी ही मिलनी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। दूसरा होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी मुंबई में है, पर्सन दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, तो जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी बियर करती है, सो दैट। एंड थर्ड इज समटाइम्स प्रॉफिट बेस्ड कमीशन। कभी कभी वो कहते हैं कि चलो प्रॉफिट बेस्ड कमीशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टर्म कितने टर्म की होती है? एक टर्म जो होती है वो 5 इयर्स की होती है, फिर रीअपॉइंटमेंट हो सकती है 5 इयर्स की, तो यानी कि 5-5 इयर्स की 2 टर्म्स हो सकती है। दैट्स इट। उसके बाद आता है 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड। इतनी बात समझ जाओगे, सारी कथा जो टर्म की है वो आपको समझ आ जाएगी। दोबारा बोलती हूँ, एक पर्सन को, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, यानी कि बैक टू बैक, नॉट मोर देन 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए आप एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, फिर दोबारा उसे दूसरी टर्म के लिए रीअपॉइंट कर सकते हो, यानी कि बैक टू बैक 2 टर्म्स के लिए वो अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड जाते हैं, यानी कि 3 इयर्स तक उस पर्सन का कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कंपनी नहीं, होल्डिंग, सब्सिडरी वगैरह के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट। तो 5 इयर्स का रहता है। फर्दर रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, हाँ रीअपॉइंटमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन के बेस पे होती है, प्लस एनआरसी जो कि नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी है, वो उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करती है, ठीक है। देन डिस्क्लोजर होता है बोर्ड्स रिपोर्ट में, और 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। पेमेंट ऑफ सिटिंग फी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिटिंग फीस की एक लिमिट है विच इज 1 लाख रुपीज। एक लाख से ज़्यादा सेटिंग फीस नहीं दी जा सकती। बाकी तो जो शेड्यूल 5 है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटमेंट जो है अगेन दैट्स काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, अप्रूव होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होती है जिसमें उसके बारे में सारा कुछ बताया जाता है। एनआरसी फॉर्मुलेट करती है। देखो एनआरसी को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, तो उसका काम क्या है? चेक करना कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, उनकी रेम्युनरेशन फिक्स करना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे जो है एनआरसी करती है। एक बार तो चलो अपॉइंटमेंट के लिए तो वो करती है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और पॉइंट जो यहाँ पे देखने वाला है वो ये है कि एनआरसी जब रीअपॉइंटमेंट होती है तब दोबारा जो है एनआरसी उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करती है। उस पर्सन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बेसिस पे उसे रीअपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उसके अपॉइंटमेंट में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी फिड्यूशरी ड्यूटीज़ क्या है, प्रोविजन ऑफ DNO इंश्योरेंस, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है, उसके लिस्ट ऑफ एक्शंस क्या है, रेवरेशन, तो कुछ तो आप भी बताओगे ना कि ये चीजें करनी है, राइट। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन होती है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कंपनी की वेबसाइट पे पोस्ट करनी पड़ती है। ही कैन होल्ड द ऑफिस अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ही कैन होल्ड द ऑफिस अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अब इस चीज का ध्यान रखना है, रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल हो सकती है, बट दैट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे करी जाती है? ऑफ कोर्स डाटा बैंक से सिलेक्ट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाती है। डाटा बैंक मेनली जो बनाया गया है उसके ऊपर होती है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली चीज़ इंडिविजुअली हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग में 5 अपॉइंटमेंट्स करनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही रेजोल्यूशन में आप 5 अपॉइंटमेंट्स डाल दो। हर एक अपॉइंटमेंट इंडिविजुअली होनी चाहिए, हर एक अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस एक मोशन ऑलरेडी मूव किया है आपने, रेजोल्यूशन मूव किया जिसमें सारे डायरेक्टर्स ने जो है यस कहा है कि हाँ एक ही जो है रेजोल्यूशन से आप अपॉइंट कर सकते हो। अदरवाइज एक ही रेजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, हमें इंडिविजुअली उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स जो हैं किसी भी पर्सन के लिए वो मैक्सिमम 20 है, जिसमें से 10 जो है वो पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक डायरेक्टरशिप्स में वो कंपनीज भी आती हैं, वो प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं जिनकी होल्डिंग कंपनीज पब्लिक होती है। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। और अगर कोई पर्सन इसे वायलेट करता है सो द पेनल्टी इज़ 2,000 rupees each day to the maximum of 1 lakh rupees. Very, very important, right? सेबी की अगर हम बात करते हैं तो सेबी में मैक्सिमम कितनी है? पर्सन कैन नॉट बी मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटीज़ में नहीं हो सकता, और अब अप्रैल 1, 2020 से 7 लिस्टेड एंटिटीज़ में ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, राइट। और सेकेंडली अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो 7 लिस्टेड एंटिटीज़ में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। 7 लिस्टेड एंटिटीज़ में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते। लेकिन कोई पर्सन अगर ऑलरेडी किसी लिस्टेड कंपनी में एज अ WTD, एज अ MD, या he is already serving as a WTD और as an MD, तो वो सिर्फ 3 लिस्टेड एंटिटीज़ में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है 7 लिस्टेड एंटिटीज। लेकिन अगर कोई पर्सन है उज ऑलरेडी सर्विंग एज अ डब्ल्यूडी और एमडी इन अ लिस्टेड कंपनी तो वो फर्दर 3 लिस्टेड कंपनीज में ही जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम आई थिंक यू ऑल नो, ये बताने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं जिन्हें हम फर्स्ट डायरेक्टर्स कहते हैं अंडर सेक्शन 152। नॉर्मली सारे ही डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स है जो बोर्ड अपॉइंट करता है, दैट इज 161 एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द कैजुअल वैकेंसी। फिर जो स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर होते हैं उन्हें स्मॉल शेयरहोल्डर्स अपॉइंट करते हैं और फिर आती है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास भी ये पावर है कि वो जो है डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसमें ये है कि अगर तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बता रही है उसमें नेम्स ऑलरेडी मेंशन्ड है फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं नेम्स मेंशन्ड तो उस केस में अदर कंपनीज में दे आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम और ओपीसी में जो पर्सन खुद ही है वही बन जाता है फर्स्ट डायरेक्टर। नॉर्मली देखो जनरल मीटिंग में ही पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। कुछ ऐसी क्राइटेरिया होता है जहाँ पे आप रिटायरिंग डायरेक्टर को भी दोबारा से अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की जो पोजीशन है 152 सबसेक्शन 7 जो है ये पढ़ने वाला है, ये पोर्शन जो है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन बट यू विल गेट द PDF इन माई टेलीग्राम चैनल, राइट। सो इफ अ वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप एंड द मीटिंग हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व, लाइक पहली बात है फिलअप भी नहीं किया और मीटिंग ने ये भी नहीं कहा कि हम वैकेंसी को नहीं फिलअप करेंगे तो मीटिंग हो जाएगी एडजर्न, बिकॉज हमें रिटायरिंग डायरेक्टर का फिलअप तो करना है। फिर अगली मीटिंग में अगेन अगर डायरेक्टर की पोजीशन नहीं फिलअप करी जाती है और ना ये बताया जाता है कि नहीं फिलअप करनी, सो इट विल बी डीम टू हैव बीन, जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है उसी को दोबारा से अपॉइंट कर दिया जाएगा। आपने उसे फिलअप नहीं किया और एक्सप्रेसली भी, मतलब आपने एक्सप्रेस भी नहीं किया कि हमने इस पोजीशन को फिलअप नहीं करना है तो मीटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी एडजर्न, ठीक है। लेकिन अगर एडजर्न मीटिंग में भी यही चीज़ होती है, ठीक है, ना तो आप उसे फिलअप कर रहे हो ना तो ये कह रहे हो कि भाई मैंने नहीं फिलअप करनी, तो उस केस में जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो दोबारा से रीअपॉइंट हो जाएगा एट द एडजर्न मीटिंग, अनलेस इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर पिछली मीटिंग में इस पर्सन को अपॉइंट करने का प्रपोजल आया था एंड इट वाज लॉस्ट, यानी कि पीपल डोंट वांट टू हिम टू बी रीअपॉइंटेड, तो ऐसे पर्सन को आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते। सेकेंडली, उस पर्सन ने लिख के दिया कि भाई मुझे नहीं बनना तुम्हारे कंपनी का दोबारा डायरेक्टर। थर्डली, ही इज डिस्क्वालिफाइड, राइट। फोर्थ है कोई रेजोल्यूशन चाहिए स्पेशल या ऑर्डिनरी, या 162 इस केस पे एप्लीकेबल होता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब ये जो सेक्शन है 160 का, द एक्सप्रेशन रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स द डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इट्स अ डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। और अभी जो हमने पढ़ा 152 सबसेक्शन 6 और 7 वो उन गवर्नमेंट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता जो विच इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी इन विच नॉट लेस दैन 51% ऑफ द शेयर कैपिटल वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। एंड सेकेंडली, द सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी, ऊपर वाली कंपनी की सब्सिडरी। प्रोसीजर क्या होता है, एसरटेन कि सबसे पहले कौन कौन से डायरेक्टर्स जो है वो रिटायरिंग बाय रोटेशन हो रहे हैं, फिर ये चेक करना है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उनकी कॉन्सेंट ले लो, उनको नोटिस दो, यू नो एजेंडा, मीटिंग लाइक मीटिंग कंडक्टर और जनरल मीटिंग एटलीस्ट 21 डेज क्लियर नोटिस डेज की जो है वो नोटिस देना। देखो यहाँ पे जब भी प्रोसीजर की हम बात करते हैं, प्रोसीजर्स आर वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको सिंपली पता है कि ये चीज़ें करनी है, आप प्रोसीजर अपने आप से लिख सकते हो। अब दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, राइट of persons other than the retiring directors to stand for directorship, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 160, क्या जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसके अलावा कोई और भी डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, तो उसे जो है वो नोटिस देना है नॉट लेस देन 14 डेज का, ठीक है। नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द मीटिंग उसे नोटिस देना है, जिसमें उसे अपनी कैंडिडेचर बतानी है, अपना इंटेंशन बताना है, वो सारी चीज़ें। अब ये नोटिस जो है वो फ्री में नहीं जाता, अदरवाइज सारे डायरेक्टर बनने चल पड़ेंगे, तो उसके साथ डिपॉजिट करने पड़ते हैं 1 लाख रुपीज़। येस, 1 लाख रुपीज़ एक तरीके का डिपॉजिट होता है जो देना पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को रिफंड होता है, या तो जो अपॉइंट हो जाता है या फिर जिसे मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वैलिड और इनवैलिड वोट्स में बहुत फर्क होता है, तो 25% से ज्यादा अगर कोई वैलिड वोट्स ले जाता है या जो अल्टीमेटली अपॉइंट हो जाता है उसे ही पैसे रिफंड होते हैं, बाकी सारे जो है पैसे कंपनी रख लेती है। अगर वो निधि कंपनी है तो 1 लाख की जगह पर 10,000 का डिपॉजिट है, वो चल जाएगा। लेकिन ऐसी 2 सिचुएशन है जहां पर डिपॉजिट नहीं लगता। पहली बात, अगर NRC जो है वो खुद से अपॉइंट करना चाहती है, अगर एनआरसी प्रपोज कर रही है तो उस केस में पर्सन को कोई एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में इन दो केसेस में डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड 160 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी जिसका इंटायर पेड अप कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड किया हुआ है और इसी की सब्सिडरी जो आती है, राइट। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट अदर दैन सिंपल, देखो प्रोसीजर्स में कुछ नहीं होता, रेपिटेटिवली ऐसे प्रोसीजर होता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी फिर वही लिखना है कि 14 डेज बिफोर जो है नोटिस आना चाहिए, 1 लाख का डिपॉजिट होना चाहिए, किसे किसे डिपॉजिट नहीं देना, वो सारी चीज़ें हो गई। नोटिस भेजो आप, अगर इंडिविजुअल नोटिस प्रैक्टिकेबल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर्स में छपवा सकते हो, लिस्टेड कंपनी केस में कॉपीज फॉरवर्ड करनी है, ठीक है, डिन है या नहीं, कॉन्सेंट है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, राइट। इंश्योर के कॉन्सेंट है आपके पास, राइट। एंड द जनरल मीटिंग इट विल बी टेकन अप, ठीक है। और रिफंड कब कब करनी, जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही चीज़ें प्रोसीजर में आती है। एक मेन चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है दैट इज़ DIR 12, ठीक है। DIR 12 को आप बाय हार्ट कर लो क्योंकि DIR 12 ही यूज़ होता है अगर अपॉइंटमेंट होती है, अगर रिमूवल होती है, रेजिग्नेशन होती है, हर जगह पे यूज़ होने वाला एक फॉर्म है DIR 12। अगर अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो क्या क्या अटैचमेंट्स आती है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, डेक्लेरेशन बाय द फर्स्ट डायरेक्टर होता है, डेक्लेरेशन ऑफ द अपॉइंटी अंडर DIR 2, इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़, ये सारी चीज़ें बीच में आपने बताना है कि अपॉइंटमेंट जो है दैट शुड बी गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज और पर्टिकुलर जो है वो रजिस्टर्स में आपने चेंज करने हैं एंड डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, उसके बाद सबको इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे आता है बोर्ड। बोर्ड इज अगेन प्रिटी सिंपल। बोर्ड में जो डायरेक्टर्स आते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी। और आपको देख के बड़ी हैरानी होगी कि बुक में उन्होंने कैसे दिया है कि जो जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ के आए कि ऐसे 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 एडिशनल डायरेक्टर होने चाहिए, वो चीज़ें उन्होंने लिख ली। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ आर्टिकल्स उन्हें प्रोवाइड करें एंड कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, मतलब 3 बातें पहले ही लिख दो कि उसके पास डिन होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, कॉन्सेंट ना हो, बाकी सब कुछ सेम। बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग कॉल करो, उस पर्सन को अपॉइंट करो, वो सारी चीज़ें एकदम सेम रहती है। द सेम गोज़ फॉर द कैजुअल वैकेंसी, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। द सेम गोज़ फॉर द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, यू विल गेट द PDF, आप इसे रीड कर सकते हो। जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं प्रोसीजर का, जो सॉरी पढ़ के आए ना, हुज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हुज एन एडिशनल डायरेक्टर, उसी चीज़ को दोबारा से रेप्लिकेट करके लिखा गया है और बाकी का प्रोसीजर जो है सेम है। तो अगर आप वहाँ से लर्न करके आए हो ना तो प्रोसीजर्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। और फिर होता है ट्रिब्यूनल। देखो ट्रिब्यूनल के पास ये पावर होती है, ट्रिब्यूनल के पास कई बार लोग जाते हैं या फिर रिलीफ केसेस जब आते हैं ना, इन केस ऑफ ऑपरेशन या ट्रिब्यूनल, तो उस केस में वो ये कर सकते हैं कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर दें एज अ डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि इन्हें लोन देती है, मेनली वही चीज़ होती है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन देती हैं वो ये देखना चाहती हैं कि भाई ये कुछ काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो उस केस में जो है नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अगेन द सेम थिंग। याद करो स्मॉल शेयर होल्डर्स में हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन एप्लीकेबल कर सकता है, सबसे पहले वो लिख दिया, कितने दिनों में कैंडिडेचर बतानी है वो लिख लिया, उसके पास दिन होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कॉन्सेंट, ये लाइन तो आपने लिखनी ही लिखनी है, राइट। सच डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता है, ही कैन बी इलेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट, येस ये एक नई चीज़ है, 2 कंपनीज एट अ टाइम में नहीं होना चाहिए। देन ही शैल नॉट रिटायर क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 ईयर्स का टेन्योर है, आफ्टर कंप्लीशन वो रीअपॉइंटमेंट में नहीं आएगा। इफ ही सीजेस टू बी ए स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, DIR 12 फाइल करनी है। यहाँ तक तो सारा कुछ वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा जो प्रोसीजर्स होते हैं वो नॉर्मली सेम होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के बारे में। उसके बाद जाके अच्छा फिर आता है कि हाँ भाई फॉर्म डिजिटली साइन करने हैं, DIR 12 के अटैचमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, रजिस्टर्स में बताना है, अपॉइंटमेंट के बाद डायरेक्टर ने इन्फॉर्म करना है। दिस इज जस्ट द सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको कोई भी मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है डिस्क्वालिफिकेशंस। वैसे ये डिटेल में मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, यू कैन चेक दोज वीडियोस एज वेल। तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है जब आपको यू नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड सो बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। ही हैज़ अप्लाइड फॉर एडजुडिकेशन और अभी वेट कर रहा है, उसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, चाहे वो मॉरल टर्बिट्यूड का या अदरवाइज, उसकी जो इम्प्रिजनमेंट थी दैट वाज नॉट लेस देन 6 months एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैव इलैप्स्ड. ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है. क्या बोला उन्होंने कि कोई पनिशमेंट उससे मिली है, कन्विक्ट हुआ है यानी कि उसे सज़ा मिली है. ही हैज़ बीन इन टू द जेल, वो जेल में रहा है. उसकी जो टर्म है इम्प्रिजनमेंट की दैट शुड बी नॉट लेस दैन 6 months यानी कि 6 months से ज़्यादा की उसे जो है सज़ा मिली है. और जब उसकी सज़ा ख़त्म हुई उसके 5 साल के बाद वो एलिजिबल होता है. तो 5 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहता है, लेकिन ये 5 साल आपने कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम द एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस. जिस दिन उसकी जेल की सज़ा ख़त्म हुई है उसके 5 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा. उसके बाद वो दोबारा डायरेक्टर बन सकता है. तो 5 साल तक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन स्टैंड करेगी. लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, अगर किसी पर्सन की कन्विक्शन मोर दैन 7 years होती है तो आप सोचो कि उसने कितना बड़ा क्राइम किया होगा कि उसे 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलेगी. ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. तो इस चीज का आपने ध्यान देना है कि अगर 6 months से ज्यादा है, जैसे ही उसकी सेंटेंस खत्म होती है, उसकी सजा खत्म होती है, सजा खत्म होने के 5 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा. 5 साल के बाद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी. लेकिन अगर किसी पर्सन ने की जो सजा है वो 7 साल से ज्यादा की, वो या जेल काट के आ रहा है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. उसके बाद कोई भी ऑर्डर जो कि कोर्ट ने पास किया या ट्रिब्यूनल ने पास किया है वो हो गया. उसने कॉल्स पे नहीं की, उस कॉल्स के ड्यू डेट के भी 6 months का टाइम देते हैं. जिस दिन ड्यू डेट थी उसके भी 6 महीने के बाद जो है 6 महीने तक भी अगर वो नहीं पे कर पाता देन द डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड. अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 years तो वो हो सकता है 152 सबसेक्शन 3 का अप्लाई नहीं किया और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से भी ज़्यादा डायरेक्टरशिप लेके बैठा है. तो उस केस में ये है 164 सबसेक्शन 1. एक्चुअली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts. सबसेक्शन 1 जो है वो बात करता है पर्सन की, कि पर्सन में कहाँ कमियां है. सबसेक्शन 2 बात करता है कि कंपनी में कहाँ कमियां है. तो कंपनी के केस में कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल की कंटिन्यूसली फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स. किसी भी 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंटिन्यूसली कंपनी ने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए. ही हैज़ फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट्स उसने रीपे नहीं किए या इंटरेस्ट देयर ऑन रीपे नहीं किया और रिडीम एनी डिबेंचर्स ऑन दैट डेट और pay interest due to on that date. He shall be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in some other period for 5 years. तो basically उस कंपनी में वो reappoint नहीं हो सकता और किसी और कंपनी में वो 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकता. So this is important to understand, right? बाद बारी आती है वेकेशन की. वेकेशन मीन्स कब हम ये मान लेते हैं कि डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो गया, राइट? ये घूमने वाला वेकेशन नहीं है, खाली करने वाला वेकेशन है. सबसे पहले अगर 164 अट्रैक्ट होता है तो उस केस में 164(1) पूरा का पूरा और 164(2) जो है उस केस में बाकी के कंपनीज में तो वो वेकेट कर सकते हैं, लेकिन जिस कंपनी में उन्होंने डिफॉल्ट किया है यानी कि जिस कंपनी में वो उन्होंने डिफॉल्टिंग कंपनी जो है उसमें वो वेकेट नहीं कर सकते. ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ड्यूरिंग 12 months. 12 महीनों में जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई वो किसी भी बोर्ड मीटिंग में वो पर्सन नहीं आया, विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस. कोई फर्क नहीं पड़ता लीव ऑफ एब्सेंस लिया नहीं लिया, लेकिन वो नहीं आया. ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184. उस केस में ही फेल्स टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट. उस केस में ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल. वो कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, ही इज कन्विक्टेड फॉर नॉट लेस देन 6 months. अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं. यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो थोड़ा टाइम देते हैं फर्दर अपील के लिए. कहते हैं पहले तो 30 days तक उसे हम वेकेट नहीं करेंगे, क्योंकि 30 days का हम टाइम दे रहे हैं उसे फर्स्ट अपील करने के लिए. 30 days तक लेके अगर उसने फर्स्ट अपील कर दी तो जब डिसीजन आएगा उसके फर्दर 7 days तक का हम उसे टाइम देते हैं. अगले 7 days होते हैं सेकेंड अपील के लिए, लेकिन अगर फर्दर जो अपील है वो जब भी डिसाइड हो जाएगी उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि इसे वेकेट करना है नहीं करना, बिकॉज तब तक तो ये डिसाइड हो ही जाएगा कि ये कन्विक्ट होगा या नहीं होगा. अगर वो कन्विक्ट हो गया तो उसकी वेकेशन हो जाएगी. अगर तब तक वो कन्विक्ट नहीं हुआ या डिसीजन ओवरटर्न हो गया, डिसीजन बदल गया, उस केस में उसकी कन्विक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वेकेशन भी नहीं होगी. ही is removed in pursuance of any act, any section of the act or provision of the act. ही वॉज होल्डिंग सम अदर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किसी और एम्प्लॉयमेंट या किसी और पोजीशन की वजह से वो डायरेक्टर था, वो पोजीशन चली गई तो वो डायरेक्टरशिप भी चली गई, राइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है तो उस केस में वो और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी लगा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके बाद आता है 168। 168 ये कहता है कि डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है, बिल्कुल रिजाइन कर सकता है, कंपनी जो बोर्ड जो है ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस वो नोट कर सकती है। अब 30 डेज में कंपनी जो है DIR 12 फाइल करती है। इसमें एक और एड ऑन फॉर्म आता है जिसका आपने ध्यान देना। अब तक DIR 12 हमने किया है, अपॉइंटमेंट, सीजेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, सबके लिए DIR 12 ही लग रहा है। इसमें आता है DIR 11। देखो DIR 12 तो कंपनी फाइल करती है रजिस्ट्रार के पास, DIR 11 डायरेक्टर फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास टू टेल कि उसने रिजाइन क्यों किया, बिकॉज अगर उसने रिजाइन किया है देन डेफिनेटली देयर इज सम पॉइंट टू अंडरस्टैंड। रेजिग्नेशन की डेट क्या होगी, डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड और डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस विच एवर इज लेटर, या तो जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ या उसके अंदर, उस नोटिस के अंदर जो है ना जो भी लेटर होगी वही इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। अगर बाई चांस सारे डायरेक्टर्स रिजाइन कर दें एट द सेम टाइम तो उस केस में क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर और इन हिज एब्सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सारे डायरेक्टर्स रिजाइन कर दें एट अ टाइम, सबने रिजाइन कर दिया तो जो प्रमोटर है वो अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल कंपनी के पास पूरी पावर है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से एक डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, राइट। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह उसे दिया जाएगा। बाय शेयर होल्डर्स, हाँ शेयर होल्डर्स भी रिमूव करवा सकते हैं डायरेक्टर को बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स दे कैन रिमूव हिम। प्रोसीजर क्या होता है, एक स्पेशल नोटिस मेंबर देता है, ठीक, मेंबर जो है वो स्पेशल नोटिस देता है कि एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराया जाए और इस पर्सन को हटाया जाए। उस नोटिस को उस डायरेक्टर को भी भेज दिया जाता है कि भाई देख ले, तेरे को हटाने की प्लानिंग चल रही है, राइट। डिसीजन टू कॉल द मीटिंग, नोटिस इशू किया जाता है 21 क्लियर डेज एंड जो उसके रिप्रेजेंटेशन है उसे मौका दिया जाता है। इट्स लाइक the representation, the right to of being heard। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर by chance कंपनी को ये लग रहा है कि या किसी person aggrieved को ये लग रहा है कि इसको अगर बोलने का मौका दिया तो ये publicity, needless publicity secure कर सकता है for defamatory matter, ठीक है, needless publicity for defamatory matter, तो उस केस में NCLT के पास ये पावर है कि वो उसे बोलने से भी रोक सकती है। तो remember this, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम उसकी representation रुकवा सकते हैं, बिल्कुल रुकवा सकते हैं। अगर कंपनी या कोई भी और पर्सन अग्रीव्ड है वो जाके ट्रिब्यूनल को बोलता है कि भाई अगर हम इसको बोलने का मौका देंगे ही विल सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर, द ट्रिब्यूनल कैन स्टॉप हिज रिप्रेजेंटेशन एज वेल। लिस्टेड कंपनी में बताना है, जनरल मीटिंग हेल्ड करनी है, लिस्टेड कंपनी है तो अगेन उन्हें 24 आवर्स में इन्फॉर्म करना है और DIR 12 जो है वो कंपनी ने फाइल करना है, राइट। DIR 12, अब क्योंकि रेजिग्नेशन की बात हो रही है तो DIR 12 में नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन लगेगा, एविडेंस ऑफ सीजेशन लगेगा और इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज भी लगेगा। बाकी रजिस्टर देखो एंड जनरल पब्लिक को नोटिस के लिए न्यूज़पेपर में छपवा दो, राइट। NCLT भी रिमूव कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, NCLT के पास तो पूरी पावर्स है। इसके बाद आता है डिस्क्लोजर्स बाय डायरेक्टर ऑफ हिज इंटरेस्ट। हमेशा अपना इंटरेस्ट जो है वो दूसरी एंटिटीज में वो बताना पड़ता है फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल, फर्स्ट मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, अगर कोई चेंज होता है तो उस केस में भी बताना पड़ता है। देन वी हैव राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। देखो इसको तो आप सिंपली रीड दे दो, ये ड्यूटीज है, लाइक ड्यूटी टू एक्ट एज पर द आर्टिकल्स, गुड फेथ, exercise due care, avoid conflict, not to gain, make any undue gain, sign his office, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। and registers maintain करने पड़ते हैं, definitely registers maintain करने पड़ते हैं managerial personnel के भी and shareholding के भी। अगर duties वगैरह नहीं comply करते हो तो fine या penalty आता है, punishable with a fine of not less than 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। और उसके बाद आता है मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट। डेफिनेटली मेंबर के पास पूरी राइट होती है इंस्पेक्ट करने के। एज द रजिस्टर्स आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन, वो एक्सट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं विद इन 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। AGMs वगैरह पे तो वैसे ही ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होता है एंड इंस्पेक्शन जो है वो हमेशा बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए, ठीक है। और 171 डज नॉट अप्लाइज टू गवर्नमेंट कंपनी इन विच एंटायर शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय, शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड विद दिस वी एंड द टॉपिक हियर, और अगर कोई एक आधा टॉपिक बीच में छूट गया है तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो आई एम कमिंग अप विद दैट टॉपिक एज वेल, जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे 20 must do क्वेश्चन, मस्ट डू न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें एक आधा टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक भी मैं पिक करूँगी टुमारोज और डे आफ्टर टुमारोज वीडियो। तो वो जो सम्स हैं वो करके आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के सम्स जो हैं वो आएंगे, राइट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू सुपर सून टुमारो विद द क्विक रिविजन ऑफ केएमपी। बाय बाय।